राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से आ रही बड़ी खबर, पारसोली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 61 किलो अवैध डोडा चूरा एवं 1 किलो 600 ग्राम अवैध अफीम बरामद। नवभारत समाचार बेगू से राजकुमार रायवाल की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के तहत पारसोली पुलिस ने थाना क्षेत्र के गटाबाव गांव में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 61 किलो अवैध डोडा चूरा एवं 1 किलो 600 ग्राम अवैध अफीम बरामद की। पारसोली थाना अधिकारी संजय कुमार गुर्जर ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर उन्होंने अपने आला पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में एक टीम का गठन किया और मंगलवार अल सुबह अपने दलबल सहित गटाबाव गांव में पहुंचकर उक्त कार्रवाई की। बताया गया कि पुलिस ने गांव में शांतिलाल धाकड़ के बाड़े में उक्त कार्रवाई करते हुए मामले में शांतिलाल को नामजद किया। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा जब्त किया गया अवैध डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए है। ज्ञात हुआ है कि उक्त अवैध मादक पदार्थ तस्करी कर मारवाड़ ले जाना था, लेकिन तस्करों को पुलिस की सूचना मिलने पर वह अपनी कार मौके पर ही छोड़कर भाग छूटे। पुलिस ने तस्करों की कार की तलाशी में 35 ग्राम अवैध अफीम एक डिब्बी से बरामद किया, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि तस्कर लोग अफीम का नशा करने वाले थे। पुलिस ने उक्त कार को भी जब्त किया।